हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ अवीति एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे, कल बड़ा तरीके से एकदम सेलिब्रेशन होगा। सो अभी टाइम तो हो रहा है 9 o'clock और वैसे तो मैं लैब जा रही थी क्योंकि मेरी आज टीचिंग असिस्टेंट ड्यूटी है CIF में, बट फिर देखा यहाँ पे कि तैयारियाँ चल रही हैं गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन के लिए, तो फिर सोचा कि चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कैसे चल रहा है करके। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग कि कैसे तैयारियाँ चलती हैं और कैसे सेलिब्रेशन होता है IIT गुवाहाटी में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। थैंक यू। अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ तैयारियाँ मतलब बाकी हैं, तो मुझे लग रहा है आज सारा दिन यही चलता रहेगा, तो फिलहाल हम लैब चलते हैं बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। फिर लंच के टाइम पर आके एक बार देखते हैं कि कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो सुबह तो हमने देख लिया था कि कितनी क्या प्रिपरेशन हो चुकी है, उसके बाद मैं लैब गई, मैंने टीचिंग असिस्टेंट ड्यूटी की मेरी, और फिर लैब में जो भी काम था वो सब किया, कुछ पेपर वर्क भी करना था वो सब भी किया, फिर वापस आई, लंच किया। अभी लंच करने के बाद दोबारा से लैब जाना है और अभी टाइम कितना हो गया है, 3 बज गए हैं अभी, तो फिर अभी चलिए एक बार और देख लेते हैं कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है तैयारियों में। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो गई ना, वो लोकेशन को पूरा गेंदे के फूल से सजाएंगे, तो यहाँ पे भैया लोग ये माला और ये सब डेकोरेशन के लिए बना रहे हैं। लोग गेंदे के फूल से माला बना रहे हैं ना, उससे यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है। क्योंकि कल जो प्रोग्राम होगा ना, तो उसकी लाइव टेलीकास्टिंग भी होने वाली है, इस वजह से ये कैमरे लगा रखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये 3 जगह पर। मुझे तब तक तो ऐसा था डांस परफॉर्मेंस करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अभी थोड़ा सा और कोविड भी है, इस वजह से भी थोड़ा टाइम चेंज हो गया, बट ठीक है, फिर भी एक्साइटमेंट रहती है। कुछ भी हो, स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस होंगे सेलिब्रेशन की, तो कल कैसे क्या सेलिब्रेट होगा मैं कल दिखाऊँगी आप लोगों को। है
हेलो अगेन माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मैंने आपको एकेडमिक बिल्डिंग के सामने जो भी तैयारियां चल रही थी वो सब दिखाया था ना, तो आज तो फ्लैग होस्टिंग होगी, शायद और कुछ मतलब प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, तो जैसे डांस या फिर परेड वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो चलिए फिर चलते हैं प्रोग्राम देखने के लिए। You have done a remarkable job, so that you have received the Prime Minister Research Fellowship. Our alumni have also done excellently well on this 73rd Republic Day occasion. With these words, I once again wish all of you a very happy Republic Day. So let us take a pledge that we will maintain peace and harmony. We must remember the sacrifices of our freedom fighters, so that we can value the freedom which we got just because of their sacrifices. I will end my speech reminding you all the vision of IIT Guwahati to be recognized globally for excellence in education, research and innovation, and nurture future leaders to serve the society at large. We need your support to fulfilling your vision. The motto is to serve the society at large, be our guiding light in your future career and life as well. Thank you all for participating in the 73rd Republic Day celebration, and I thank everyone who made this possible. Jai Hind. Thank you so much, sir, for enlightening us with your words. यही समाप्त करते हैं। We thank everyone present here for being here with us, and we also thank everyone who are watching the event online. We wish you a very nice day ahead. Thank you one and all. Namaskar, Jai Hind. And he is Professor T.G. Sitaraman, Director of IIT Guwahati. प्रोग्राम तो अभी कंप्लीट हो गया, थोड़ी पेट पूजा करने के लिए चलते हैं हम। मेरा रिफ्रेशमेंट तो मैंने ले लिया, अब उस डब्बे के अंदर में क्या है वो अभी नहीं पता, वो हम हॉस्टल जाके देखते हैं। फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा। तो मैं हॉस्टल पहुँच गई हूँ। नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स। मतलब मैं प्रे कर रही हूँ कि बस मोतीचूर के लड्डू निकल आए तो मज़े आ जाएंगे।